अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2027 के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की। बता दें कि पूर्व मंत्री हरीश रावत बीते दिन वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता जाकिब हुसैन के निवास पर पहुंचे, जहां वो जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान समेत हिसार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ा, तब तब उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, इसलिए अब मैंने कांग्रेस पार्टी के हित में कठोर निर्णय लेते हुए ये निर्णय लिया है कि 2027 का विधानसभा चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की आएगी। दरअसल हरीश रावत का मानना है कि डबल इंजन की सरकार विफल नजर आ रही है, चाहे गैरसैंड में ग्रीष्मकाल विधानसभा सत्र चलाने की बात हो या जनता की सुरक्षा की, सब कुछ पूरी तरह से विफल होता हुआ नजर आ रहा है। जशपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखो, एक समय आता है जब आदमी को, और अब इसमें मैं इतना ही कहूँगा इस समय कि ये कांग्रेस के हित में है कि मैं चुनाव लड़ा। अगर 2002 में चुनाव नहीं लड़ा कांग्रेस सत्ता में गया है, 2012 में नहीं लड़ा कांग्रेस सत्ता में आई, और दोनों बार प्रचार में नहीं किया। अब जब मैं चुनाव लड़ा तब कांग्रेस सत्ता में सत्ता फुल टाइम, तो इसलिए 2027 में कांग्रेस सत्ता में आए इसलिए हरीश रावत का चुनाव में रहना है। अगर चुनाव के दिनों में कहीं कहीं थोड़ी कमी रह जाए, कोई कोई प्रचारक चाहिए। 2002 में मैं नहीं लड़ा चुनाव, और पूरा अभियान चुनाव का मैंने चला। 2012 में, 2007 में पूरा चुनाव अभियान मैंने चला। नारायण जी ने कह दिया सिटिंग मुख्यमंत्री थे, मैं चुनाव कर दी और कई प्रचार में मिल गया। और तो छोड़िए, उन्होंने उन दिनों मुख्यमंत्री हाउस खाली करना हुआ है और रोज उसकी बाइक पूरी निकल दी। घोषणा पत्र जारी करते वक्त रोना धोना शुरू किया, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम कांग्रेस को एक बड़ी मजबूत पार्टी के रूप में विपक्ष के रूप में 2007 में मिला है, चुनाव किया मेरे हाथ में। 2012 में पीसीसी प्रेसिडेंट अपने क्षेत्र में फंस गए और सीएलपी लीडर अपने क्षेत्र में फंस गए, वो चुनाव के लिए नहीं थे। तो पार्टी ने जो मंत्री को हेलीकॉप्टर सौंपा और मैंने सब जगह जाने को चुनाव किया।